शरीर में क्रिएटिनिन का बढ़ना आपकी किडनी को खराब कर सकता है, जिसके बाद आप किडनी के इलाज के रूप में न जाने क्या क्या समस्याएं झेल सकते हैं। इसमें सबसे दर्दनाक प्रक्रिया है डायलिसिस और इसके बाद दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आप अपने क्रिएटिनिन को कम करने के लिए कुछ ऐसे उपायों को अपने जीवन में शामिल करें जिससे आपका क्रिएटिनिन स्तर कम रहे और आपको किडनी में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिनिन के स्तर को कम करने के लिए आप कौन से उपाय अपना सकते हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं कि कौन से छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप विग्रेस एक्सरसाइज न करें। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में क्रिएटिनिन अधिक मात्रा में इंक्रीज होता है, इसलिए ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपको प्रोटीन रिच फूड का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। जब आप अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो इससे बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप अपनी डाइट में एग, रेड मीट, फिश, सोयाबीन या दूध से बने प्रोडक्ट का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्योंकि इन सभी चीजों का अधिक सेवन आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का निर्माण कर सकता है। अगला है क्रिएटिन सप्लीमेंट का सेवन अधिक न करें। वैसे तो अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है। क्रिएटिन सप्लीमेंट का सेवन अधिकतर बॉडी बिल्डर करते हैं अपनी मांसपेशियों में ताकत देने के लिए। क्रिएटिन सप्लीमेंट का जरूरत से ज्यादा सेवन बॉडी में क्रिएटिनिन को बनाने लगता है, जो कि किडनी के लिए काफी हानिकारक होता है। इसलिए क्रिएटिन सप्लीमेंट का सेवन न करें। इससे आपका क्रिएटिनिन स्तर भी नहीं बढ़ेगा और आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी। इसके साथ ही आपको लिक्विड का सेवन भी सामान्य मात्रा में करना है। कई लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिए आपकी किडनी उतनी स्वस्थ रहेगी, बल्कि ऐसा नहीं है। आवश्यकता से ज्यादा पानी आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आपको अपने लिक्विड इंटेक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने में अधिक नमक और अधिक चीनी, ये दोनों चीजें बॉडी में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकती हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में नमक और चीनी दोनों को सामान्य मात्रा में लें और अपने खाने में फाइबर रिच फूड को जरूर शामिल करें, क्योंकि फाइबर रिच फूड डाइजेस्ट करने में आसान होता है और इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जिसमें आप सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं, मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, सब्जियां, ब्राउन ब्रेड, गेहूं का आटा, मटर, ओटमील, ब्रोकली का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपके क्रिएटिनिन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीज किसी भी चीज का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, क्योंकि उनकी डाइट उनकी रिपोर्ट्स पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। किडनी का प्रॉब्लम था, क्रिएटिनिन लेवल था 2.3 का। पहले कितना था आपका? पहले 3.2 था। पहले 3.2 था, 2. अभी 2.8 रिड्यूस हुआ है। पहले ये कंटीन्यूअसली बढ़ता चला रहा था। हल्का सा लग रहा है कि मेरे को डिक्रीज है, चेंजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वेलिंग बाकी सब फिट है? बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा,
ये इन्होंने टेस्ट कराया था, इस टेस्ट के अंदर जो इनका क्रिएटिनिन लेवल था वो 3.2 के आसपास है। इन्होंने ये टेस्ट कराया है अपोलो हॉस्पिटल से, और ये इनका डेट है 14 दिसंबर 2017 का टेस्ट है। इन्होंने मेडिसिन शुरू करी है लगभग जनवरी के आसपास, तो इन बिटवीन जो भी इंक्रीज हुआ होगा वो भी है। और इसके बाद इन्होंने अब एक महीना के दवाई लेने के बाद ये टेस्ट कराया है, 19 फरवरी 2018 हिमाचल प्रदेश से इन्होंने ये टेस्ट कराया है। और इसके अंदर ये जो इनका आया है क्रिएटिनिन वो आया है 2.8 क्रिएटिनिन आया। बिसाइड्स क्रिएटिनिन ऑल अदर इलेक्ट्रोलाइट सारी चीज़ें यूरिया पोटाशियम सोडियम वो सब चीज़ें बैलेंस होना शुरू हुई हैं। पेशेंट को फिजिकल लेवल पर बहुत अच्छी चेंजेस आए हैं, स्वेलिंग नोजिया वॉमिटिंग इस तरह के जो यूरेमिक सिम्टम्स हैं वो भी सबसाइड हुए हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स और चेंजेस इनको देखने में मिले हैं। अर्लियर इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा था, इट वॉज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड, तो अब वो बढ़ नहीं रहा है और वो रिड्यूस होना भी शुरू हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट, बिकॉज दिस सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। और इनके केस में भी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही थी, डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं थी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था जिस वजह से किडनी पे अफेक्ट आया था। किडनी पे अफेक्ट आने की वजह से इस क्रिएटिनिन जो था वो बढ़ता चला जा रहा था, प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा था पहले। अभी दो चीज़ें हुई, एक तो ये फर्दर आपका इंक्रीज़ नहीं करा है इनका, और दूसरा ये रिड्यूस हुआ है। साथ में डाइट चार्ट वगैरह इनको दिया था वो इन्होंने प्रॉपर फॉलो करा, मेडिसिन और गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करी और चेंजेस इनको नजर आए। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।